नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो देखिए, साइज के हिसाब से हमने अस्तर और कपड़े पर कट कर लिया है। पूरी लंबाई 14.5 इंच ली है, जितनी रखनी है उससे 1 इंच ज़्यादा ले लेनी है। डबल फोल्ड करके 10.5 इंच लिया है। शोल्डर 6 इंच लिया है। आर्म होल 6.25 इंच लिया है। गले की चौड़ाई 3 इंच 2 पॉइंट ले लेंगे। गहराई इसकी 11 इंच लेंगे। वी गले का शेप दे देना है इस तरह से। अब इसे कट कर लेंगे। अब देखिए, बुकरम के ऊपर इसको निकाल लेना है। तो अच्छे से बराबर से मिलाकर इसके ऊपर रखना है और वहीं से निशान बना देंगे। उसके बाद देखिए, 1 इंच लेना है और बराबर से 1 इंच पर ये दूसरा निशान बना देना है बाहर वाली साइड से। अब इसको कट करना है। अब देखिए, कपड़े पर रख के कट कर लेंगे। अस्तर और कपड़े को जोड़ लेना है। पहले अस्तर और कपड़े पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, सबसे पहले नीचे की तरफ लगाएंगे। तो नीचे की तरफ लगाने के बाद देखिए, अस्तर को पलटते हुए अस्तर के ऊपर किनारे से एक सिलाई और लगा देंगे। उसके बाद पूरे अस्तर और कपड़े को जोड़ लेना है। अब जो कपड़ा ज़्यादा है उसे कट करके बराबर करना है। तो देखिए, जो गला कट किया है इसको हमने इस तरह से, ये ब्लाउज का बॉर्डर है और बॉर्डर को यहाँ पर देखिए जोड़ लिया था, तो बॉर्डर की चौड़ाई आ गई, उसी पर गले को निकालना है। तो हमने उस पर रखते हुए सिलाई लगा ली है। अब बाहर वाली साइड से बिल्कुल बराबर से कट कर दिया है, उस पर पाइपिंग बनाना है। अब देखिए, बाहर वाली साइड से पाइपिंग बना देंगे इस पर पहले।
तो देखिए पाइपिंग बना दी है। उसके बाद पाइपिंग बनाने के बाद इसको कट कर लेना है। अब गले पर इसको इस तरह से लगाना है। यहाँ पर पहले देखिए अच्छे से मिलाते हुए पिन लगा देंगे, उसके बाद सिलाई लगाएंगे ताकि ये तिरछा ना हो, बिल्कुल बराबर से आए। तो इस तरह देखिए इसको लगाने के बाद अब गले पर पाइपिंग बनानी है गले वाली साइड में। यहाँ पर थोड़ा कपड़ा ज़्यादा बढ़ा है, मैंने कट कर दिया है। अब गले पर पाइपिंग बना लेंगे पहले। तो इस तरह देखिए पाइपिंग बन गई है। अब इस तरह से चौकोर कपड़ा कट करेंगे 2.5 इंच का। अब देखिए इस कपड़े से इस तरह डिजाइन बनानी है, एक साइड से इसको इस तरह घुमाना है और इस तरह डिजाइन बनाकर सिलाई लगा लेनी है। सभी डिजाइन है, पूरे गले पर ये डिजाइन लगेगी, तो पहले बनाकर जितनी लगेगी तैयार कर लेनी है। तो इसी तरह सारी डिजाइनें तैयार करेंगे पहले, उसके बाद देखिए गले पर इसको इस तरह से लगाना है। बाहर वाली साइड से इसको लगाएंगे। और पाइपिंग के देखिए बिल्कुल नीचे से सिलाई लगानी है, पाइपिंग के ऊपर ना लगे, और एक बराबर से रखते हुए पूरे गले पर इसको इस तरह लगा लेंगे। तो इस तरह देखिए पूरे गले पर हमने डिजाइन को बना दिया है। उसके बाद देखिए इन डिजाइनों पर एक एक मोती लगानी है।
तो देखिए हमने पूरे गले पर मोतियाँ लगा दी है। डिजाइन हमारा बन के तैयार है। लास्ट में इसका हम प्लेट बना देंगे। तो डिजाइन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। धन्यवाद।